हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा जो है 4 दिन का टूर शुरू हो गया है और मम्मी और मेरी वाइफ जो है मेरा इंतज़ार कर रही है, आप कब निकलता पहाड़ को। और यहाँ का जो मौसम है बड़ा मस्त लग रहा है। सुबह धूप आ रही है, अभी सुबह सुबह तो बहुत ठंड थी, लेकिन इस टाइम पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को सभी को आगे दिख रहा होगा कि कपड़ा कपड़ा क्या टांग रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हल्द्वानी में इस टाइम पे सांडों का बहुत बड़ा तांडव है। तो उसी चक्कर से ये खेतों की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने जो है तार और इस टाइप से घेराबंदी करके अपने फसल को बचाने के लिए। पिछले 15 महीनों से मेरा एक काम अभी चालू है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी इस पर काफ़ी काम बच गया है। लगभग 3 महीने और लगेंगे इसमें, क्योंकि अभी दरवाजे रह गए हैं, पेंट रह गया है, अभी लाइट का काम रह गया, मतलब छोटे छोटे फिनिशिंग काफ़ी रह गया अभी। तो इसी के साथ करते हैं हम सफर की शुरुआत और दिन के बजने वाले हैं 12 और मेरे साथ जाने वाला कोई स्पेशल आदमी और उसी की मुलाकात, उसी की जुबान है, हम सुनाएंगे आपको कौन। और उससे पहले हम लेंगे माँ जी से आशीर्वाद और माँ जी से हमने लिया आशीर्वाद। अब चलते हैं सफर की शुरुआत और हमारे साथ चलेंगे, 5 दिन के सफर में हमारे साथ रहेंगे। इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं भवाली शहर में और जो जैसे कि देखा जाता है हमेशा कि जहाँ जाम लगा हुआ, तो जाम ये लगाई है अभी भी। और दिन के बच चुके हैं 2, भाई हमारे चला रहे गाड़ी और बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और दरवाजे बंद करो तो गर्मी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर ये है का नज़ारा, ये है ट्रैफिक बहुत ही स्लो चल रहा है। और भाई देखो कुछ ये बाइक के पीछे जो है इन चीज लगा रखी है, ये बाइक से ट्रैवल कर रहा है। हम भाई से लेंगे अखरोट और भाई कह रहे 500 का ये है और हम लेंगे अखरोट के मजे और ले रहे अखरोट के मजे। और बचपन में बहुत फायदा है, जब नीचे को गए कहाँ खाने को मिलता है। तो भाई को हम करा रहे हैं अपना चैनल सब्सक्राइब। फाइनली नीम करौली बाबा जी के दर्शन हो गए हैं, इसी के साथ हम हो गए धन्य। और 2 घंटे के सफ़र के बाद हमें बाबा जी के दर्शन हो गए हैं। और क्योंकि यहाँ पे हम रुक नहीं सकते, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, गाड़ी रुकने की जगह है, बाबा जी का गेट पूरे ट्रैफिक है। अब बाबा जी के यहाँ पर दरबार में जो है लगभग अब हमेशा जो है मेला ही बना रहता है। तो मैं दुआ करता हूँ सभी लोग जो ऑडियंस हैं या जो भी हैं लोग, सभी लोग आस्था रखते हैं, सभी का भला होना चाहिए और बाबा जी जो है सभी पर कृपा बना रखे हैं। और ये भाई की जल्दी शादी हो जाए, ये बड़ा यूट्यूबर बने वाला, ये बाबा जी की कृपा है, यही बोल के जा रहा हूँ। और भाई जरूर आएगा उसके बाद यहाँ पे कुछ बड़ी मन्नत के साथ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. 3.5 घंटे के सफर के बाद पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा और हम लोग लेते हैं मिठाई यहाँ से, थोड़ा सा मिठाई जरूरी है, यहाँ की परिचित है मिठाई। तो कौन मिठाई मिलेगी, क्या क्या रेट है? अल्मोड़ा की प्रसिद्ध है बाल मिठाई, तो प्रसिद्ध है यहाँ पे। और क्या क्या प्रसिद्ध है? बाल मार पता लगा अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई, मतलब बाल मिठाई के नाम से अल्मोड़ा जाना जाता है। ये है यहाँ की मिठाई की मार्केट, ये है लोजिया की मार्केट, अभी मेन मार्केट तो आगे है। हम अल्मोड़ा क्रॉस कर चुके हैं, बागेश्वर वाली रोड पर पहुँच चुके हैं हम लोग और सामने ये अल्मोड़ा है, दिख रहे होंगे मार्केट वार्केट दिख रहे हैं। और यहाँ की खूबसूरती बिल्कुल कुछ अलग ही दिख रहा है, कितना मस्त सुंदरता आ रही है। लेकिन अभी कोहरा आ रहा है, हल्का हल्का धुंध लग रही है, सिर्फ साफ साफ नहीं आ रहा।
और यहाँ की सुंदरता और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ शुद्ध वातावरण का कुछ बात ही नहीं कहें, क्या मस्त आ रहा है। और अब तो यहाँ नीचे भी रोड चली गई है, पहले रोड नहीं थी यहाँ पे। देखो गांव, पूरा गांव लगे, गांव आए थे। देखा जाए तो स्वर्ग से कम दिखाएंगे हम वाइड एंगल से। ए क्या सुंदरता आ रही है, ये सब चीड़ के पेड़ हैं। और ये है बागेश्वर का रास्ता और ये है अल्मोड़ा को जाने का। नीचे यहाँ पूरा गांव बसा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या करें, यहीं रहना शुरू करें हम लोग? ये करें खरीद गया, हम यहीं रहें खरीद खरीद के, अच्छा लग रहा है यहाँ। छोड़ो अल्दानी यार, चक्कर बड़ा है। यही तो जन्नत है, पहाड़ों की यही खूबसूरती, यही जन्नत है, यही स्वर्ग है। स्वर्ग को कोई अलग तो मिलने वाला नहीं है, यही स्वर्ग है। और आजकल जो है पहाड़ों की रोड भी बहुत अच्छी हो रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है रोड। ये बागेश्वर की जाने की है। अखरोट के मज़े लेते हुए सफ़र करते हैं जारी, चलते हैं बागेश्वर को। और बच चुके हैं 4 और जगह पर पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है कि 8 बज जाएंगे। और अखरोट मज़ा कैसे आ रहा है बताना था? बहुत मस्त है, मज़ा आ जाएगा खाने में। मज़ा आ रहा ना? मज़ा आ रहा, क्योंकि पसंदीदा चीज़ें मेरे बचपन से हैं। अभी दांतों में दम है। साढ़े 7 घंटे के सफर के बाद हम अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और 2 कलाकार नीचे हैं। ये कलाकार है, ये दिखते हैं कहीं कहीं ना, दिखते होंगे, ये दिखाई देते हैं। क्या है तुम्हारे चैनल का नाम बताओ? मेहता शॉर्ट एंड ब्लॉग। इधर को देख के बोलो, मेहता शॉर्ट एंड ब्लॉग, बीजी की मस्ती, मेहता फैमिली शॉर्ट। जोर से बोलो, तुम भी बोलो, मेहता शॉर्ट एंड ब्लॉग, बीजी की मस्ती, मेहता फैमिली शॉर्ट। असली ओनर यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। चलो एक एक एक्ट करके दिखाओ, कैसे आज शॉट क्या बनाया है? क्या बना? भूत वाला शॉट बनाओ है? हाँ, मारने की बात करो। तो मारने की बात करे तेरे आके, और ये बता किसकी, किसको कितने साल हो रहे बताओ, कौन कितने पढ़ते बताओ? आई एम मुठियान 10th। My name is ये बन रहा है पहाड़ी बाखली में, क्या बन रहा है? नहीं, पहाड़ी रसोई में क्या बन रहा है? पनीर। पनीर बन रहा है, देखो पहाड़ी रसोई में क्या बन रहा है। तो इतना ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है, खाना बन रहा है। ये क्या है? पहाड़ी मिर्च। पहाड़ी मिर्च, धुआं लग गया। तो मामा जी लोग खाना खा रहे हैं। और खाने में क्या क्या है? खाने में क्या है? पनीर। ये हमारा पहाड़ी खाना काफी टेस्टी है। इसी के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं। अरे कुछ तो बोलते आगे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब।